महाराज अब हम समझ गए अब हमें एक पल भी यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। तो आज उसी समय देवयानी चली, बहुत रोका है आती ने, लेकिन देवयानी नहीं रुकी, सीधी पहुंची शुक्राचार्य के पास में। बोले पिताजी तुमने पहले ही कह दिया था कि शर्मिष्ठा से कोई मतलब मत रखना, मेरे तो दो ही पुत्र सुदासी के तीन। और जो ये बात सुनी है तो श्राप दे दिया, जाओ याती तुमने मेरे वचन का पालन नहीं किया, हम श्राप देते हैं इसी वक्त तुम पर बुढ़ापा आ जाए। जब श्राप दे दिया याती बूढ़े हो गए। देवयानी कहने लगी महाराज हमने ये थोड़ी कहा था कि महाराज याति को बूढ़ा बना देना, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो आज उसी समय बोली है देवयानी, पिताजी